सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। रेगुलर आपको पशुधन दिखाने के प्रयास में हर उस पशुपालक तक पहुंचने का प्रयास रहता है जो चाहे अपने घर पे एक पशु तैयार करने वाला पशुपालक हो या रूटीन से बिक्री का काम करने वाले। आज मैं कहूंगा, काफी बार वीडियोज आती हैं, हम ये कहेंगे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, काफी इंटरेस्टेड ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि एक बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों मैं कहूंगा आज आप भाइयों के सामने पहली ऐसी कवरेज होगी जिसमें आपको जोटी की डिटेल के साथ साथ में हम कुछ अनुभव जो सामने आप देख पा रहे हैं ताऊ जी को, ताऊ जो राम सिंह जी पांडवान गांव से हैं, एक मशहूर चेहरा जिन्होंने अपने नाम के पीछे अपने गांव के नाम को जोड़ दिया। शायद ऐसे काफी कम नाम होते हैं जिनको उनके गांव के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनके कारण इनके गांव को जाना जाता है। थोड़ा सिस्टम है वो, इन्होंने अपनी जो अच्छी क्वालिटी की मुर्रा पशुधन रख के और ये एक पहचान इनके गांव को दिलाई है। जब भी हरियाणा में अच्छे पशु की चर्चा होती है तो ताऊ जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो आज इन्होंने एक जोटी जो अपने फार्म के लिए इन्होंने परचेज की है, सबसे पहले जहां से ली है उस ओनर से मिलवाएंगे और फिर ताऊ जी से भी डिटेल से पूछेंगे क्या क्या इस जोटी के बारे में जानकारी संपूर्ण वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले जो ओनर है, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, अपना शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम प्रवीण कुमार, गाँव बापोड़ा भाई। गाँव बापोड़ा, डिस्ट्रिक्ट अपना भिवानी। भिवानी जी। तो अपना भाई साहब बिक्री का काम है या कैसे घर पे तैयार करते हो? वैसे तो मैं तैयार करता हूँ, लेकिन जो एक आधी बिक्री हो जाती है तो बिक्री भी करता रहता हूँ। कौन से ब्यात की जोटी है ये? फर्स्ट ब्यात की भाई साहब। दांतों में कैसे? चार दांत है भाई। चार दांत। और कितना टाइम हो गया बच्चा दिए? बच्चा दिए आज भाई इसने, मतलब 15वां दिन है। 15वां दिन। साथ में बच्चा क्या है? कटड़ी है नीचे। कटड़ी। तो आपने कितना दूध तोल के ताऊ जी को दिए? ताऊ को भाई दो टाइम दूध तुला के इसको 20 केजी से प्लस ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो और कुछ बच्चे ने भी पिया ही है ले। जी जी। और दो टाइम का दूध नपवा के ताऊ को, और भाई मैंने 5,25,000 में इसको ताऊ जी को सेल किया। 5,25,000 की। ठीक है ठीक है। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार भाई। तो भाई साहब जैसे जोटी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये सभी बातें 20 किलो से प्लस आपने दूध कांटे पे तोल के लिया। दो टाइम कांटे पे तोल लिया जी। और 5,25,000 की खरीद दी। 5,25,000 की खरीद दी है जी। जी। तो एक बार पहले तो एक बार जोटी को थोड़ा चला के आप दिखाइए वीडियो के अंदर। 5,25,000 रुपए की ये जोटी इन्होंने इनके पास से खरीदी है, 20 किलो दूध, फर्स्ट टाइम की, चार दांत जोटी फुल साइज की। बात करें इस जोटी की जो क्वालिटी की, तो आप देख पा रहे हैं वीडियो में काफी शानदार फुल साइज टाइट अर्डर की। काफी पशुपालक जिनको अनुभव नहीं होता वो आज बड़े और खुले अर्डर के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं कहूंगा अच्छे दूध की जो जोटियां हैं टाइट अर्डर की, बिल्कुल छोटे सींग की शो क्वालिटी की जोटी, अभी आगे जैसे पीडीएफ आ रहा है उसकी तैयारी शायद अच्छे अच्छे जो ब्रीडर हैं वो कर रहे हैं, तो उन्हीं में हम ताऊ जी का एक नाम काउंट करते हैं कि चार दांत पहले ब्यात की जोटी, अभी दूध तुलवाने के लिए सभी एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना एक बड़ी बात है। और ताऊ जी के यहाँ से पहले भी काफी भैंसे ऐसी हैं जो पीडीएफ में दूध तोल चुके हैं और वैसे भी कांटे पे तोल के ही दूध लेते हैं। 20 किलो दूध, दो टाइम मिल्किंग करके चार दांत जोटी इन्होंने परचेज की है। और एक बार ताऊ जी एक बात बताएं आप, आपका काफी अनुभव है, काफी पशु आप बेच रहे हो, एक आदमी तो वो है जिसको जिसके लिए 60,000 वाली भी भैंसी है, एक आदमी वो है 10,00,000 की भी खरीद लेता है, क्या फर्क होता है इस चीज का? फर्क जी मतलब आदमी पचों अंगड़ी बराबर से इसमें हाइट मर ये आंधा आदमी नहीं देख जाए जी, इतनी हाइट की सम ले 6 फुट 5.5 फुट की, इतनी चार दांत, इतना दूध की, कोई 100 ग्राम एक पावे तो पावे ना, कोई जरूरी को नहीं, मैं ले कुल की पता नहीं कुछ भाई अपना करने सब की 20 किलो दी से, लेकिन मैदान में आने जीत भी रहा, बिल्कुल बिल्कुल मैदान में लड़ाई करूं मैं कति को दबूं, चाहे कोई किसी ले रहा मेरा हम हिसाब ही भाष को दूध तुलवाने फिर मजा है, मेरे दो टाइम फौजी तुलवाना सवेरे 5:30 बजे 10 किलो और 90 ग्राम हुए तो एक टाइम को खाली करके गए थे जी जी, जिद मन मालूम पड़ गया अभी फौजी सच्चो आदमी ना मन जा भाई के मेरो बेचैसे होने से पहले चांदने साथ में। अच्छा, पहली बार बेच लिया आपने? पहली बार जी जी। तो आप नाम सुन रहे हो इसको खूब से, फौजी झूठो नहीं सच्चो ईमानदार आदमी, लेकिन आज दोनों टाइम में मैंने न्यू ही देखा, फिर फौजी नहीं बोलता दो टाइम
दूध तोल ले तो एक टाइम में तड़के मार लियो तड़के आके वो सारा काम बढ़ लिया। क्योंकि कुछ भाई है ना उनके लिए वो बोलते हैं कि 5 लाख 7 लाख की भैंस महंगी भैंस है, तो मेरे हिसाब से आप शुरुआत से घोड़ियों के भी शौकीन रहे हैं और शौक के पैसे लगते हैं। शौक के पैसे लगते हैं। किलो दूध की जो चार दान दे वो खार की दे और न्यू कहीं बेचे जाओ कोई मेरे ख्याल में सौ कोस में खाओगी आए तो सुको नहीं देनी झूठ तो देश बोल दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई ठकान नहीं है बिना हट की चीज हमारी जवान। जी जी हाँ हाँ फौजी साहब बोले। मंजीत भाई मैं अभी देख लो ये इस काम को करते 6-7 साल हो गए। वैसे तो हमारे बुजुर्ग भी एक भैंस रखते थे अच्छी, लेकिन मैं मेरी भी एज आप 42 साल के लगभग होगी। मैंने जीवन में कभी इतनी हाइट की लेंथ की खार की चोटी नहीं देखी। बहुत कम भाई, कोई चांस ही नहीं होता कोई एक आध पशु निकलता है इसके। मेरे को तो विश्वास है भाई 23-24 kg से कम तो रहनी नहीं, क्योंकि आज इसने इतना दूध निकाल रही है ये 15 दिन की ब्याई हो रही है, क्योंकि मेरे ही उस पे ठाण पे ब्याई है जी, और मेरे पास ये रही है और नीचे कटड़ी जी जी और चुआई दुआई की अलग अलग उसका दूध निकाल के ताऊ को 2 टाइम तसल्ली करके माँ ताऊ एक मेरे पे बोला भाई मैंने तेरा नाम सुन रखा प्रवीण और मैं दूध तेरा दे रखा जो तेने बता दिया वही होगा। मैं कहता हूँ जब तक 2 टाइम दूध नहीं देख लेगा ना इतना मैं झोटी ने खोल लूँ कौन जी 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 हाँ तो जितता होती 2 टाइम का कह के नहीं था उन्होंने एक टाइम पर मेरे भविष्य फिर सुबह भी आके ना दो कंडा पतरवा के सारे बैठे थे भाई जी जी। और जीत तुलवा के ना भाई ताऊ के करके आज खोल ले। एक बार थोड़ा और चलाओ जोटी को दूध के मामले में। तो भाई साहब हम ये कहेंगे कि 25-24 नहीं ताऊ जी दूध के तो सेवा पशुओं की अच्छी करते हैं, तो उम्मीद तो यही करेंगे क्या पता एक नया रिकॉर्ड कायम कर दे। ले आओ वापिस ले आओ। तो चार दांत जोटी भाई का एक थोड़ी बीच में आपने सुनने में आया होगा, एक चीज मैं बता रहा हूँ कि एक गाड़ी क्या पता 1 लाख रुपए की भी होती है और एक फॉर्चूनर है 45 लाख की चलती दोनों है। तो शौक है जो घोड़ी रखने वाला है वो पशु की सेवा भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो चाहे घी खाए, जो घोड़ी को अपने घर पे दूध निकाल के भैंसों का पिला सकता है उसके लिए भैंस की सेवा कोई बड़ी बात नहीं। और आज एक नाम कमाने में अपनी पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन कोई भी भाई जब वीडियो बनाते हैं 5 लाख की 7 लाख की 10 लाख की भैंस की तो वो 1 मिनट में लिख देता है कि इतनी महंगी भैंसे नहीं होती। तो काफ़ी शौक रखते हैं अच्छे पशु का। और एक चीज़ आप देख पा रहे हैं जोटी की क्वालिटी एक बार आपको दिखाना जरूर चाहेंगे, बिल्कुल कन्नीदार सींग प्योर मुर्रा की। काफ़ी भाई पूछते हैं कैसी होती है, तो अब मैं कहूँगा 100% ये मुर्रा कैमरे के सामने खड़ी है और पहले बात के ये कीर्तिमान जो अभी एक नॉर्मल सेवा में फौजी भाई के यहाँ पे निकाल रही है, तो ताऊ जी के वहाँ पे हम उम्मीद करेंगे जब अगली वीडियो इस जोटी की होगी तो एक काफी बड़ा दूध का रिकॉर्ड ये बनाएगी। और उसी के साथ हम ये वीडियो आपके लिए आगे लेके हाजिर होंगे अच्छा पशु दिखाने के लिए। बारंबार पकड़िए, हम पहुंचते रहते हैं हर उस पशुपालक तक। और मंजीत भाई जी मैं भी बड़ी खुशी के साथ ताऊ जी को ये भैंस दे रहा हूँ। मेरे को भी इस चीज का बड़ा गर्व की महसूस होती है कि मेरे गाँव में एक ऐसी भैंस है जो भाई एक अच्छे बिल्कुल पास जा रही है भाई, अच्छी सेवा कर सकते। देखो पैसे ताऊ जी ने दिए, पैसे आपको मिल गए, लेकिन एक चीज बताऊं ये चीज बड़े किस्मत से मिलती है, बहुत कम ऐसी चीज है। और एक शेर दिल हम ताऊ जी का भी मानते हैं जो खरीद भी बता रहे हैं। मेरे लोग झूठ बोल के 20-30-50 जोड़ के तो दुनिया बता दे, अगले के सामने दावा कर रहे हैं कि इतने रुपए की खरीद दी है। का भी नाम रोशन किया आज इस भैंस ने भाई, मेरा गाँव भी पूरा खुश है, सभी माताएं बहने भी आई हुई है। जी जी देख कैमरा घुमा सकते हो। जी 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 और मेरे को भी बड़ा आज खुशी होती है कि मेरे भाई इस जगह पे ऐसी भैंस ने मतलब जन्म। जरूर जी आप, मैं ये कहूंगा आपका नाम और साथ में हम भविष्य में आगे जब इसकी दोबारा वीडियो कवर होगी चाहे वो महीने में हो 20 दिन में हो तो मैं कहूंगा वहां पे ताऊ जी का भी नाम रोशन करेगी। इसी उम्मीद के साथ ही अच्छी पेमेंट लगा रहे हैं। ये देखिए जब रीति रिवाज होते हैं यहाँ पे मुर्रा पशुधन को बेच के अगले को पूरी तरह संतुष्ट किया जाता है कि आपको आगे जाके मुनाफा दे। इसी उम्मीद के साथ ताऊ जी ने चार दांत जोटी पहले ब्यात की आज इनके पास से बापोड़ा गांव डिस्ट्रिक्ट भिवानी से खरीदी है और ये अभी लोड होके गांव पांडवान के लिए जा रही है। ये देख सकते हैं जो फीमेल काफ है काफी हष्टपुष्ट, क्योंकि देश सेवा के बाद में अभी अगर देखा जाए तो वीडियो में रेगुलर जो फौजी भाई हैं
वो काफी इंटरेस्ट नूरा पशुधन में ले रहे हैं, क्योंकि एक किसान परिवार से जुड़ा हुआ जो आदमी है वही इन चीजों में इंटरेस्ट। अभी जो जोटी यहाँ से विदाई हो रही है और जो फौजी साहब ने जो ये इसको जो एक माड़ा से सम्मानित किया था, ताऊ जी ने वह जो माड़ा है वो इनकी बेटी, क्योंकि पशुपालन के साथ जो लड़कियों का मान सम्मान मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है। रेगुलर बेचने खरीदने वाले मिलते हैं, लेकिन ताऊ जी ने जो जिस माड़ा से जोटी को सम्मानित किया था वो माड़ा जोटी के गले से निकाल के और ये मैं कहूँगा फौजी साहब की जो लड़की है इसको सम्मानित किया है, इसके लिए हम ताऊ जी का भी धन्यवाद करते हैं। और अभी ये पशुधन यहाँ से एक नए अपने घर के लिए जा रहा है, और जो इन्होंने जो आज आपने ताऊ जी किया है ना, मैं गारंटी देता हूँ जोटी आपका बहुत बड़ा नाम करेगी। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में फौजी साहब के थोड़े बाकी पशु हैं वो दिखा देते हैं एक बारी, क्योंकि शौकीनी तौर पे रखते हैं, कम पशु रखें लेकिन अच्छे रखें यही प्रयास है। तो आगे फौजी साहब इस जोटी के बारे में और बताएं। ये भी भाई साहब है अभी मतलब 17 kg दूध इसका तैयार है। अच्छा, कितना टाइम हो गया बच्चा दिए? 20-22 दिन की ब्याई होगी। अच्छा, ब्यात कौन सा है? ब्यात फर्स्ट में ही। फर्स्ट में ही, दांतों में ये कैसे भाई? ये भाई चार दांत है। चार दांत जोटी काफी शानदार क्वालिटी की, क्वालिटी पे काम कर रहे हैं देख सकते हैं, जो इसकी अडर की बनावट है, थन है पहले ब्यात में, और 17 kg दूध आज तैयार है। इसके बच्चा कौन सा है? इसका बच्चा ये, इसके साथ में ये मेल काफ है। जी जी, आगे दूसरे नंबर पे ये भी फर्स्ट टाइम मर होती है भाई। जी जी, इसका आज ये 6-7 दिन की ब्याई होगी, 10 kg दूध तैयार। 6-7 दिन की ब्याई हुई में 10 kg। ये दांतों में कैसे है? ये भी चौथे दांत है भाई, चार दांत। जी जी जी, तो ये बिक्री के लिए ये पशु? हाँ। ये पीछे, ये मेरे पास एक 24-25 kg दूध की ब्याज थी जो अभी हैदराबाद में गई है। जी जी, कटिया है। अभी ये 10 तारीख को पूरी 2 साल की कंप्लीट होगी भाई। जी जी जी, नवंबर की। जी जी, आगे ये, और ये मेरे पास एक खर की जोटी ने 17 kg दूध दिया था, उसकी कटड़ी है, कटड़ा है ये। जी जी, इसको तैयार कर रहा हूँ भाई साहब। जी जी, तो देखिए एक चीज मैं हर वीडियो में आपको ऐड कर रहा हूँ कि सीमन के पीछे न भाग के नेचुरलिटी को बनाए रखें, क्योंकि पहले एक एक घर में 20-20 पशु होते थे और किसान की आय को बढ़ाने का काम करते थे, लेकिन इसी के साथ में इन्होंने बुल तैयार किया है। ऐसे बुल आज सीमन लेने के लिए अदर स्टेट काफ़ी भाई आ रहे हैं, लेकिन अगर वो एक बुल लेके जाएं तो मैं कहूँगा किसी का भी पशुधन है वो रिपीटर ना हो, और पशुपालक की इनकम है वो बढ़ती। आगे एक हरियाणा नस्ल का गोवंश जो हम उम्मीद करते हैं हर पशुपालक जो इस वीडियो को देख रहा है वो अपने घर एक पशुधन जरूर रखे। तो फौजी साहब, गौ माता की क्या कुछ जानकारी? माता सर, ये देसी गाय 15 kg दूध में निवास में लगी थी, वैसे 16-17 kg दूध। जी जी, निकाल देती है जी। 17 kg दूध निकाल, इतनी शरीफ है। अगर जब मैं इसका अभी दूध निकालने के लिए बोलूंगा जी जी, तो अभी भी ये मतलब किसी को ये नहीं कहेगी क्या कर रहे हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई, गौ माता है और माता का काम यही होता है, ये देख सकते हैं। 7 दिन की ब्याई है भाई ये जी। वो है, ये भी बिक्री के लिए? वैसे नहीं जी भाई, ये अपने घर के लिए। हाँ। जी जी, तो बिल्कुल शांत स्वभाव की एक हरियाणा नस्ल की गाय खुट्टे पे बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भाई बड़ा फार्म चला रहे हैं, सक्षम हैं, उनके लिए मैं कहूँगा जरूर वो अपने घर एक गाय रखें। बाकी काफी भाई जो गाय का घर पीने के लिए रखते हैं, काफी भाई हैं जो सेवा के लिए रखते हैं। आज अगर एक एक पशुपालक एक एक गाय रखेगा ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आपको जो ये गोवंश है ये खुला बेसहारा घूमता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। जी बोलिए फौजी साहब। मेरा नाम भाई प्रवीण कुमार। जी जी, गाँव बापोड़ा। जी जी, एक्स सर्विसमैन। जी 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 जी, कितने साल सर्विस कर चुके भाई साहब? मैं 16 साल सर्विस करके फौज से रिटायरमेंट हो गए, मैंने ये शौक किया था। और भाई गाय का शौक आपको सत्य बताता हूँ भाई, जो की वीडियो वगैरह देख करके गाय का शौक पैदा किया। जी जी, नहीं तो मेरे पास भैंसों का शौक था। जी जी, और मेरा फोन नंबर है भाई जी। जी, 9034। जी जी, 14 48। जी, 13। जी जी, तो कोई भी भाई अधिक जानकारी के लिए इनका मोबाइल नंबर है और रेगुलर चल रहा है, अच्छे पशुधन का शौक। रिटायरमेंट के बाद देखिए आप एक से एक शानदार जोटियां, और एक पशुपालक के लिए अपने घर से 5,25,000 की जो जोटी इन्होंने सेल की है फर्स्ट टाइमर, मैं कहूँगा ये सौभाग्य होता है। काफ़ी कम पशु ऐसे निकल के सामने आ पाते हैं। तो सभी भाइयों को ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सभी भाई जुड़े, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, इसके लिए सभी का धन्यवाद। और फिर किसी नए पशुपालक के यहाँ मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।